जानते हो कि आकाश सूर्य का मुकाबला करते हैं, बॉर्डर एरिया होने से कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, तो हम लोग हमेशा उनके दुख सुख उठाती रहे, पहले भी, आज भी है, आगे भी रहेंगे। सर, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि आज कल भी उन्होंने बयान दिया कि 48 घंटों में पहले सब मतलब सर कलम करके आते थे, अब जिस तरीके से पायलट आते हैं, जिस तरीके की राजनीति होती है, इसके बारे में आपका ये मैं देखता हूँ कि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, जाती है पूरे देश में, बहुत भयंकर आघात लगता है, लोग आक्रोश में आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, एकजुटता दिखाने के लिए पूरा देश, तमाम विपक्षी पार्टियाँ सरकार के साथ खड़ी है। सरकार जो भी फैसला करेगी दुश्मन देश के खिलाफ में, दुश्मनों के खिलाफ में, पूरा मुल्क साथ खड़ा रहेगा। एक तरफ तो ये भावना है, उस भावना को ही और मजबूत करने की आवश्यकता, बजाय इसके कि रोड बयानबाजी पक्ष विपक्ष करे, उसमें कोई लोकसभा चुनाव में मुद्दा भटकाने की चल रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा रोजगार, ये जनता बहुत समझदार है, मुद्दा भटकाने के प्रयास करने वाले कामयाब होते नहीं हैं। जनता का रॉबस्ट कॉमन सेंस जो है, अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, अकल होशियारी में हिंदुस्तानी जनता का, प्रदेशी जनता का कोई मुकाबला नहीं है। आप निश्चिंत रहो, कोई कितने भटकाने का प्रयास करे, कोई भटकने वाले नहीं है, और पूरा मुल्क एकजुट है। सर, पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है, जिस तरीके से वो बार बार आतंकवादी घटनाएं कर रहा है अब बॉर्डर पर, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, देना चाहिए आगे भी। सैनिकों से आज आप मिलेंगे, किस तरीके का मुश्किल करेंगे? पूरे प्रदेश का प्रथम सेवक जाके मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो पूरे प्रदेशवासियों की भावना उनके साथ खड़ी है, वो हौसला अफजाई का एक बहुत बड़ा बिंदु होता है। सर, अकाल राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या आ गई, बाढ़ में भी अकाल ग्रस्त है, 6 जिले अकाल ग्रस्त है, 7 जिले अकाल ग्रस्त है, वहाँ पर मैं 4 डिपो खोलने की बात हो, व्यायाम कैंप लगाने की बात हो, नरेगा के काम जो खोले हमने सरकार में आते ही हमने 4-5 गुना बढ़ा दिए हैं, लोग शिकायत थी काम खुलते ही नहीं थे पहले, तो सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। कारगिल के टाइम पे भी आप जब कभी युद्ध की स्थिति बनी है, चाहे कारगिल की हो, तो मैं एक सैनिकों के साथ सरकार में गया था जो कि शहीद हो गए थे, तो ये सरकार का कर्तव्य है। हमने पैकेज भी दिया, तो शानदार पैकेज दिया शहीद परिवारों को, जो आज हिंदुस्तान में कहीं किसी राज्य में नहीं होगा। इस बार भी हमने पैकेज को बढ़ाया है, तो हमारी तरफ से उनके परिवारों को ख्याल रखना, उनके सुख दुख में काम आने में कोई कमी नहीं रहेगी, ये मेरा संदेश है। और जो हमारे जवान डटे हुए हैं, उनका हौसला अफजाई करना हमारा फर्ज है, उसी में आया। सर, शहीद की मां ने आज कहा है कि मोदी सरकार को आतंकवादियों के सब बताने चाहिए कि कितने मरे हैं, इस तरीके की शहीद की मां ने डिमांड की है, जो पुलवामा में जो जवान शहीद हुए उसकी मदद ने। अब देखिए, शहीदों के घरों में जो आघात लगा है, तो उनकी भावना रहती है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, और ये कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ये जिस प्रकार विवाद का विषय पैदा किया गया है, पहले मीडिया में खबर आ गई 350 लोग मारे गए हैं, फिर अमित शाह जी के 250 मारे गए हैं, फिर आलू वाले जी उनके मंत्रियों ने कहा नहीं हमें पता नहीं कितने मारे गए, हमने तो खाली बदलने के जाके आए थे। ये स्थिति बननी नहीं चाहिए और ये विषय होना भी नहीं चाहिए, चर्चा का विषय ये होना नहीं चाहिए। चर्चा का विषय होना चाहिए कि हम कैसे अपने सीमाओं की रक्षा करें, आतंकवाद का खात्मा करें। आतंकवाद के खात्मे में पूरा मुल्क नहीं छूटे, चाहे कोई कौम हो, कोई धर्म हो, कोई जाति का व्यक्ति जो नहीं हो, हिंदुस्तान में रहता है, देश में रहता है, प्रदेश में रहता है, वो एकजुट है।